तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ में लेना है और हमें बताना है इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। ऑल्टरनेटिव सम वाला मेथड कर लेते हैं, चेक करना है बच्चों 5445 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ऑल्टरनेटिंग सम 5-4+4-5, सम ऑफ ऑड डिजिट, सम ऑफ इवन डिजिट और देन उनका डिफरेंस, ये चीज़ ही ऑल्टरनेटिंग सम कहलाता है। ठीक है, तो 5+4 9, -5 और -4 -9, ये आ गया 0। तो यहाँ हमें आंसर में आउटकम में 0, 11 या 11 का मल्टीपल चाहिए था तो 0 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 0 इज़ डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर गिवन नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 11। बस इतना सा हमें करना था, हमें डिवाइड करके नहीं बताना। अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। ठीक है, 11 से आपके इस क्वेश्चन को डिवाइड करके बता देते हैं। 11 4 = 44, 10 रिमाइंडर बचा, नेक्स्ट डिजिट उतारी। 11 9 = 99, 5 रिमाइंडर बचा, नेक्स्ट डिजिट उतारी। 11 5 = 55, तो आपका आंसर कितना आ गया, क्वेश्चन कितना आ गया, भागफल कितना आ गया 495। तो हो रहा है ना डिवाइड, तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको, ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए बताया बच्चों, इट्स जस्ट टू चेक, ये हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि भाई हाँ हो रहा था कि नहीं, ये डिविजिबिलिटी रूल ने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है आपका नंबर 10824, ऑल्टरनेटिंग सम ले लेते हैं 1-0+ से स्टार्ट करते हैं। ओके, माइनस फिर माइनस प्लस माइनस ऐसा चलता जाता है, कब तक करते रहते हैं ऐसे जब तक लास्ट डिजिट नहीं आ जाती, सारे डिजिट कवर कर लिए। प्लस प्लस वाली एक साथ जोड़ लेते हैं 9 और 4 13। ओके, माइनस माइनस वाली एक साथ 0 और 2, माइनस का 2, 13 में से 2 गए 11। अब यहाँ पे हमें 0, 11 या 11 का मल्टीपल चाहिए था तो 11 आ रहा है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा 11 से। लिख देते, लिख दिया बच्चों हमने 11 इज डिविजिबल बाय 11, 11 से भाग जा रहा है, therefore 10824 is also divisible by 11। अतः 10824 भी 11 से भाग जाएगा, ये हिंदी में बोलेंगे इसको। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 7138965 को बताना है 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ऑल्टरनेटिंग सम ले लेते हैं 7-1+3-8+9-6+5, ऑल्टरनेटिंग सम -++-, इस तरह से साइन चल रहे हैं 1, 2, 3 और 4, ये प्लस वाले एक साथ ऐड कर लेते हैं 10, 19, 24। -, ये हो गया, तीनों को जोड़ा तो माइनस का 15। ठीक है, 1, 2, 3, तो आपका आंसर में आया 9। अब यहाँ होना क्या चाहिए था, यहाँ 0, 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आ गया 9। 9 तो 11 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो ये गिवन नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, 9 11 से भाग नहीं जाता, देयरफॉर गिवन नंबर इज नॉट आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। अतः दी हुई संख्या भी 11 से भाग नहीं जाएगी। तो ये थे इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स, रेस्ट पार्ट करते हैं बच्चों अब।